धर्म के नाम पर अधर्म और पाखंड के नाम पर लोगों को ठग कर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाला विजय कुमार उर्फ कल्कि भगवान अब जेल जाने से दूर नहीं है। लोग किस तरह आस्था का चोला पहनकर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, ये तो आप इन तस्वीरों में देख ही रहे होंगे, क्योंकि ये चोला पहनने वाले भी जानते हैं कि देश की भोली भाली जनता धर्म और आस्था पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। यही कारण है कि ऐसे लोग धर्म और आस्था का चोला पहनकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। क्या आपने कभी भगवान के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ते देखा है? क्या आपने इतने सारे रुपयों को एक साथ देखा है? नहीं देखा तो आज हम आपको करोड़ों रुपयों को एक साथ दिखाते हैं। ये देखिए घर के अंदर पड़े इन नोटों के बंडल के पहाड़ को, ये 500 के नोटों की गड्डियां हैं। ये देखिए 2000 की गड्डियां, ये तो सिर्फ भारत में इस्तेमाल होने वाला पैसा था। अब हम आपको विदेशी करेंसी को दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं खुद को कल्कि भगवान कहलाने वाले विजय कुमार के घर की। खुद को भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि बताकर लोगों के विश्वास से खेलने वाले कल्कि भगवान के आश्रमों में जब छापेमारी हुई तो 500 करोड़ से ज्यादा का काला धन बरामद किया गया। कल्कि भगवान उर्फ विजय कुमार ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना आश्रम खोल रखा था, जिस पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और 500 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की। आयकर विभाग को सूचना मिली थी कि कल्कि महाराज की संस्था अपनी कमाई के आंकड़े को छिपा रही है। आयकर विभाग द्वारा सोमवार को चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चित्तूर और कुप्पम में व्हाइट लोटस की संपत्तियों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 44 करोड़ रुपए नकद, 20 करोड़ रुपए के अमेरिकी डॉलर, 115 करोड़ रुपए के अज्ञात बैंक खाते, 85 करोड़ रुपए के हवाला के माध्यम से विदेशी निवेश और 90 किलोग्राम सोने के जेवरात जब्त किए गए। बरामद सामानों की कीमत 105 करोड़ बताई जा रही है। इसके अलावा 409 करोड़ की कैश रसीदें भी जब्त की गई हैं। चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चित्तूर और कुप्पम सहित कुल 40 जगहों पर आयकर विभाग के 300 अधिकारियों ने छापे मारे। कल्कि महाराज का साम्राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से लेकर विदेशों तक फैला है। कल्कि भगवान उर्फ विजय कुमार 70 साल का है और ये खुद को भगवान विष्णु का 10वां अवतार बताता है। इसके आश्रम को खुद कल्कि महाराज, उसकी पत्नी और उसका बेटा एनकेवी कृष्णा चलाता है। आयकर विभाग द्वारा ये छापेमारी कल्कि भगवान के आश्रमों के साथ साथ उसके बेटे कृष्णा से जुड़े ठिकानों पर भी की गई है। इस दौरान ये भी जानकारी सामने आई है कि इस समूह ने अमेरिका, चीन, सिंगापुर, यूएई समेत कई देशों में निवेश किया है। इस आश्रम पर जमीनों को हड़पने और टैक्स ना चुकाने के आरोप हैं। शुरुआती छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स विभाग ने ट्रस्ट के मैनेजर लोकेश देसाजी से वित्तीय लेनदेन को लेकर पूछताछ की थी। एलआईसी के क्लर्क के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विजय कुमार नायडू उर्फ कल्कि भगवान ने नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, लेकिन संस्थान का दिवाला निकला तो नायडू भूमिगत हो गया। किसी को नायडू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बताया जाता है कि इसके बाद अचानक अपने आप को विष्णु का 10वां अवतार कल्कि भगवान बताते हुए नायडू साल 1989 में चित्तूर में ऊपर हुआ। साल 1980 में लोगों को वैकल्पिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए कल्कि महाराज ने जीवाश्रम नाम की संस्था बनाई। इसने देश विदेश में रियल स्टेट, निर्माण, खेल जैसे क्षेत्रों में भी अपनी किस्मत आजमाई। इतना ही नहीं, इसके आश्रमों में ट्रस्ट और कंपनियों की तरफ से वेलनेस कोर्स भी चलाए जाते हैं। वेलनेस कोर्स विदेशियों को आकर्षित करते हैं,
जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हासिल की गई। विजय कुमार उर्फ कल्कि महाराज अध्यात्म से पहले LIC में क्लर्क था। देश में धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाला ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी देश के कई बड़े बाबाओं के नाम इन मामलों में आते रहे हैं। इसमें राम रहीम, आसाराम बापू जैसे कई बड़े अधर्मी शामिल हैं। HS न्यूज के लिए अभिनव शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।